शालोम, हमें मसीह की माने दूसरों से मोहब्बत रखनी है। वेलकम फ्रेंड्स टू माई चैनल। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। अजीजो, दुनिया में मौजूद सब चीजें पैसों से खरीदी जा सकती हैं और उन्हें अपने इस्तेमाल में लाया जा सकता है, लेकिन रूहानी यानी अनदेखी चीज़ें जो इंसानी सिफात में मुफ्त शामिल हैं, वो खरीदी नहीं जाती, बल्कि उनको खुद ही तलाश किया जाता है और अपनाया जाता है। इन सिफात में मोहब्बत भी शामिल है। मोहब्बत वो जज्बा है जो इंसानों ने अपने अंदर से तलाश तो कर ली, लेकिन इसकी हदूद को मुकर्रर कर दिया। हर एक गिरोह और मजहब ने मोहब्बत के लिए खास किस्म की हदूद ठहरा दी, जिनमें मोहब्बत कैद होकर ही रह गई। लेकिन जब यीशु इस दुनिया में आए तो उन्होंने इस मोहब्बत के रूहानी जज्बे को गिरोहों, मजहब और कौमों की कैद और जंजीरों से आजाद करवाया। मुकदस मत्ती के 9वें बाब को हम जब पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि यीशु ने ना सिर्फ अपनी कौम वालों से मोहब्बत की, बल्कि हर इंसान से मोहब्बत की, फिर चाहे वो कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, उन्होंने सबसे ही मोहब्बत की। यीशु की तमाम दुनियावी जिंदगी का खासा जो रहा है वो मोहब्बत ही रहा है। यहाँ तक कि उनका इस दुनिया में वारिद होना भी मोहब्बत के तहत ही हुआ। हम 9वें बाब में पढ़ते हैं कि यीशु के पास फालज का मरीज लाया गया। उसको शाफी के पास लाने वाले उसके रिश्तेदार नहीं, बल्कि उसके दोस्त थे। यही मोहब्बत यीशु लोगों से चाहता था। शिफा पाने के लिए जहां ईमान की जरूरत पड़ती है, वहां इंसानी सिफत मोहब्बत की भी जरूरत होती है, और यीशु ने उनका ईमान और उनकी मोहब्बत को उनके अमाल से देख लिया था, और इस तरह चारपाई पर पड़ा आदमी शिफा पा गया। फिर यीशु ने मुकदस मत्ती को, जो इस अंजील का राकम है, उसे अपनी शागिर्दियत में बुलाया। जबकि यहूदी लोग उसके काम की वजह से मत्ती रसूल से नफरत रखते थे, लेकिन यीशु ने उससे मोहब्बत की और उसने भी वैसे ही मोहब्बत का मुजाहिरा किया और अपना कारोबार छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। असल में जो लोग हमें छोड़ गए होते हैं या जो लोग किसी मजबूरी के तहत हमसे अलहदा हो जाते हैं, वो हमसे अलहदगी पर खुश नहीं होते, बल्कि असल में वो हमारी मोहब्बत और रहम के मुस्तहिक होते हैं। उन्हें हमारी मोहब्बत और रहम चाहिए होता है। अजीजो, याद रखिए, रहम और मोहब्बत में वैसे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन समझने के लिए ये जरूरी है कि रहम मोहब्बत के बगैर दिखाया जा सकता है, लेकिन मोहब्बत में रहम शामिल होता है। इसलिए खुदावंद इंसानों की उसके लिए मोहब्बत को पीछे करते हुए हमारे आपसी ताल्लुकात में रहम को पसंद करता है। हमें ये बात होसिया 6 बाब की 6 आयत से मालूम होती है कि खुदा को इंसानों से किस कदर मोहब्बत है, क्योंकि होसिया 6 बाब की 6 आयत में दर्ज है, क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ और खुदा शनासी को सोखतनी कुर्बानियों से ज्यादा चाहता हूँ। और यीशु ने इस बात में इसी आयत की तिलावत फरमाई। अजीजो, हमारा रब चाहता है कि हम आपस में इस तरह प्यार करें जैसे वो खुद हमसे करता है, लेकिन ये मोहब्बत तब ही रखी जा सकती है जब हम अपनी ठहराई गई मोहब्बत की हदूद को तोड़ेंगे, क्योंकि जाहरी तौर पर और मुंह पर सभी मोहब्बत से भरे हुए नजर आते हैं, लेकिन पीठ पीछे मोहब्बत रखना ही असल प्यार होता है। इसीलिए यीशु यूहन्ना इस्तबागी के शागिर्दों को बताते हैं कि रोजा दुल्हा की मौजूदगी में नहीं रखा जा सकता, बल्कि उसके बिछड़ने पर ही रख सकते हैं। फिर यीशु ने बहुत से दूसरे लोगों के लिए अपनी शिफा देने के सिलसिले को जारी रखा, क्योंकि आयत 36 बताती है कि उसे लोगों से हमदर्दी थी। इन मौजूद लोगों में हर किस्म के लोग थे, यहूदी व गैर यहूदी सब मौजूद थे, लेकिन यीशु ने नाप नाप कर शिफा नहीं दी, बल्कि सब पर अपनी हमदर्दी को उंडेला।
अजीजो, आज जब हम मसीह को अपना आप देते हैं तो क्या उसकी मानद लोगों से मोहब्बत करते हैं? आज जब हम मसीह की मोहब्बत का दम भरते हैं तो क्या अपने मोहब्बत की हदूद को जो हमने चढ़ाई हुई है उनको तोड़ते हैं? आज इन सवालात पर गौर कीजिए और मैं दुआगो हूँ कि खुदावंद में आपका आज का दिन भी मुबारक और बाबरकत ठहरे। आमीन। सलामत रहें।